हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रीमा आप लोग का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। दरअसल टाइम नहीं मिलता है, तो मेरा छोटा बच्चा है तो, और आप लोग के कमेंट्स लाइक भी नहीं आते हैं, तो मुझे उतना एक्साइटमेंट नहीं होता वीडियोस बनाने का। बट आज का जो स्पेशल है, हम लोग कोई ट्रिप पे जा रहे हैं। अभी रात के 3 बज रहे हैं, सब कुछ सोया हुआ है। आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि सब कुछ सोया हुआ है, और मैं पैकिंग सैकिंग कर रही हूँ। और मेरी मॉर्निंग 7 o'clock फ्लाइट है, तो मुझे 4 बजे निकलना है। तो मैं सोची सो के क्या करूँगी, 1 घंटे के बाद तो नींद टूटेगा नहीं, तो मैं जाके ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, और वहाँ मेरे से कौन मिलेगा वो भी सरप्राइज़ है। तो यू शायद ये ब्लॉग लंबा भी हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिएगा, जरा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना कि मैं आखिर सरप्राइज़ क्या देने वाली हूँ आप लोग को। तो चलिए, देखिए सब कुछ हुआ है। फाइनली मेरा बैग पैक हो चुका है, बहुत ही मेहनत लगा है, और ऐसे मेरी पैकिंग 1 महीने तक चलती थी। तो मेरे पति देव ने कहा है कि इस वक्त ने 1 दिन में पैकिंग किया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। ओह सॉरी, मुझे निकलना है, 4 बजने वाला है, और मैं चलिए फ्रेश होंगी, फ्रेश होकर आपके जाऊँगी और मैं आप लोग से। तो ये सुबह हो गया 4 बज के, और मैं एयरपोर्ट भी पहुंच चुकी हूँ। जल्दीबाजी में मुझे अभी टाइम मिला मोबाइल निकालने का। तो ये है बैंगलोर का एयरपोर्ट, जो काफ़ी बड़ा और बहुत ही सुंदर है, जो मुझे काफ़ी मेरा फेवरेट है, जो मैं 2 साल बाद ही निकली हूँ अभी बाहर। अभी साउथ में हूँ, मतलब बैंगलोर साउथ में ही है, तो अभी मैं नॉर्थ जा रही हूँ, मतलब बता रही हूँ मैं जा रही हूँ जम्मू एंड काश्मीर, वैष्णो धाम, मतलब वैष्णो देवी। तो ये मैं एयरपोर्ट पहुंच गई, और ये आ गए मेरे हस्बैंड के बैग चेकिंग के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे हस्बैंड को ऑफिस की तरफ से मिलता है। इन्हीं का काम है लगेज वगैरह चेक कराना, हम लोगों जब भी मैं एयरपोर्ट पहुंचती हूँ इन्हीं लोग को चेकिंग कराने का काम होता है। और ये मेरी फ़्लाइट भी आ गई, और हम लोग अंदर चले गए हैं, मतलब आराम से यहाँ बैठ गए, सब कुछ हो गया, मतलब लगेज वगैरह बोलो तो चेक करा ही दिए, हम लोग बैठ चुके हैं, मतलब ये। और ये मैं यहाँ हो गई स्टार्ट वीडियो ब्लॉगिंग के लिए, जो कि काफ़ी दिन के बाद निकली हूँ, तो एक्साइटमेंट तो है ही, मतलब ब्लॉग बनाऊँ आप लोग को, सब कुछ शेयर करूँ। और ये साइरस का बेल्ट लग गया, वो 2 साल के बाद बाहर निकला है, जब वो निकला था फर्स्ट टाइम, सेकेंड, ये इसका 3rd बार फ्लाइट है, मतलब 2 बार ये छोटा तो उसे होश था नहीं, मतलब कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। जब हम लोग रांची गए थे तो हम लोग फ्लाइट इसको बैठाए थे, मतलब रांची गए थे और फिर रांची आए थे, मतलब मेरा ससुराल है वो, तो उसे होश नहीं था कि वो छोटा है क्या है नहीं है ब्ला ब्ला थिंकिंग। तो अभी इसे होश हो गया, तो ये अभी स्टार्ट कर देगा क्या क्या उसे करना है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये मेरी फ़्लाइट उठने को तैयार है, जो उड़ने में तो काफ़ी मज़ा आता है, मतलब मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मुझे बहुत हाइट से डर लगता है, मेरा ये प्रॉब्लम है। बट जब ये बैठने में एक्साइटमेंट रहता है, और क्या होता है जब ये उड़ने लगता है तो मुझे बहुत डर लगता है, मतलब स्टार्टिंग में जब मैं 1.5 साल पहले बैठी थी, तो मैं तो चिल्ला रही थी फ्लाइट पे, और उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं करती थी। तो अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग से शेयर करूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ क्या कर रही हूँ, ये सब तो शेयर करती ही रहती हूँ, मतलब इसमें भी सोचा कि चलो मैं जा रही हूँ तो आप लोग से शेयर करूँ, ताकि आप लोग देखो कि मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ कैसे करती हूँ। तो अभी का एक्सपीरियंस नहीं पता, क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद 1.5 साल बाद फिर से फ़्लाइट पे बैठी हूँ, क्योंकि मेरा बाहर जाना भी हुआ नहीं, साउथ में ही जहाँ जाना होता था जाता था जाती थी। तो ये साइरस का इसका भी चार्ज हो गया ना, 2 साल के बाद फ़्लाइट पे चार्ज हो जाता है, पहले नहीं, पहले हाफ था शायद। तो ये साइरस का बेल्ट लग गया है, और ये मैं उड़ भी चुकी हूँ आकाश में, और ऊपर का व्यू काफ़ी सुंदर है, और मैं बता रही हूँ मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा इस बार, मतलब मेरा सारा डर ख़त्म हो चुका है। और मैं ऊपर से ब्लॉग कर रही हूँ, इतना सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और मैं यहाँ ब्लॉगिंग कर रही हूँ, साइरस अपने सीट पर बैठा है, खेल रहा है,
और ये आकाश का व्यू आप लोग ले लो, कितना सुंदर है देख लो। और ये सायरस यहाँ सारे किताब निकाल के फेंक रहा है, सब कुछ किया कराया सारा, यहाँ इन लोग का सरियाया धरियाया सब, मतलब घर में जैसे वो करता है यहाँ भी वैसे ही कर रहा है। मतलब ठीक है, उसको पेन कॉपी से ज़्यादा ही अटैचमेंट है, वो घर पे भी ऐसे ही करता है। और ये मैं आ गई, मतलब कहाँ आ गई, ये मैं मुंबई एयरपोर्ट आ गई। और ये फिर मेरी मुंबई से फ़्लाइट थी जम्मू की, तो मैं फिर बैठ चुकी थी फ़्लाइट पे, और ये जम्मू के लिए फिर उड़ान भर गई। और मैं यहाँ भी ब्लॉगिंग करूँ, और सारे इस बार अवाक रह गया कि हो क्या रहा है, और ये खड़ा हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, इसका एक्सप्रेशन तो देखने लायक था, मैं इसी का ब्लॉग कर रही हूँ। ये सोच रहा कि हो क्या रहा है, मतलब छोटे बच्चे का थोड़ा एक्साइटमेंट ही होता है कहीं जाने घूमने का, देखने का, समझने का। और ये जब छोटा था, ये इसका थर्ड फ्लाइट है, तो उसे उस टाइम उसे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो बहुत छोटा था, कुछ महीने का था। अभी वो तो 2+ हो गया, चलो ठीक है, वो समझने लगा, समझदार हो गया है। और ऊपर का नज़ारा काफ़ी सुंदर होता है कि मैं वीडियोज़ बनाते मन नहीं भरता है मतलब। और ये यहाँ पे दोनों हो गए, घोड़े बेच के सो गए, और मुझे तो नींद आने से रही, तो मैं यहाँ वीडियोज़ बना रही थी, और आकाश का व्यू ले रही थी और मज़े ले रही थी। ये आप लोग देख लो आकाश में बादल कैसे दिख रहे हैं। अभी अभी बैंगलोर से जम्मू, जम्मू का तो नहीं आइडिया है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट बार वैष्णो देवी जा रही हूँ, शादी के बाद, शादी से पहले भी नहीं गई, और मेरा बहुत मन था वहाँ जाने का, जो इस बार माँ वैष्णो देवी मुझे बुलाई, तो मेरा बुलावा आया है, तो मैं जा रही हूँ। और ये मेरी शायद फ्लाइट नीचे तरफ झुक गई, मतलब अब उतरने वाली है, अब मैं पहुँच रही हूँ जम्मू। और ऊपर का नज़ारा मतलब एकदम नीचे की तरफ से जा रहा था, लग रहा था जैसे कि मैं ज़मीन छू ही दूंगी। और इस बार तो मेरा डर, आप लोग को बता दूं गाइस, मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं ये सोचती थी कि मैं घर अकेले कैसे जाऊंगी, बट अब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं आप लोग को बता दूं कि मैं अब अकेले भी जा सकती हूँ। अब ये स्लोली 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 अपना काम और कर रहा है, है, हम लोग और ये नीचे नीचे जम्मू उतर देगा। एयरपोर्ट उतरने वाले हैं, जो कि काफ़ी बकवास एयरपोर्ट है मुझे लगा। और यहाँ पे हम लोग का सिम हो गया ख़त्म, बर्बाद। और ठीक है गाइज, ये हम मेरा सफ़र था बैंगलोर से जम्मू का, और आगे का ब्लॉग करेंगे कंटिन्यू। ओके, बाय बाय।